मर्दा से आर्यन सिंह की रिपोर्ट। मर्दा क्षेत्र के हैदरगंज गांव चौहान बस्ती निवासी युवा छात्र रुपचंद चौहान ने दिखाई दरियादिली और सैकड़ों लोगों को घर घर पहुंचाया मास्क। रुपचंद चौहान ने निस्वार्थ सेवा भाव से देश में फैले कोरोना वायरस महामारी के दौरान चल रहे लॉकडाउन में गांव की झुग्गी झोपड़ियों के बस्ती में पहुंचकर मास्क वितरित किया। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों से बताया कि देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में बेवजह घर से बाहर न निकले, मास्क का उपयोग करें। मास्क किसी के पास नहीं है तो वह रुमाल या गमछा का उपयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य अवधेश राजभर, रुपचंद चौहान, प्रदीप चौहान, अजय चौहान, दीपक चौहान, अमरजीत राजभर, पंकज राजभर, शिवानंद यादव मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? प्रदीप चौहान। कहाँ घर है? हैदरगंज। आज आप लोगों के द्वारा गांव में क्या वितरण किया जा रहा है? मास्क वितरण किया जा रहा है और हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने से छोटे परिवार जो मिडिल क्लास के लोगों को मास्क वितरण करें और उनको जिनको खाने पीने को नहीं सामान है उन्हें खाद्यान्न सामान दान करें। ये किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? रुपचंद चौहान हमारे चाचा जो हमारे गांव में मास्क वितरण का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रुपचंद चौहान। रुपचंद जी, आज आपके द्वारा हदन ग्राम सभा में मास्क वितरण किया जा रहा है, इससे क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे मेरा संदेश यही है कि ये मेरा छोटा सा बस एक सहयोग है और इससे लगाने से संक्रमण को थोड़ा बहुत रोका जा सकता है और यदि प्रत्येक गांव के नागरिक यदि थोड़ा सा कोरोना के प्रति जागरूक हों तो कोरोना का संक्रमण अच्छे से रोका जा सकता है और इससे हम लोग लड़ने में कामयाब होंगे। इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं आप? लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब लें और इसको थोड़ा भी इग्नोर न करें। नहीं तो इसका अगर संक्रमण अगर गाँव में देश में तो फैल ही गया है मगर अगर संक्रमण इधर भी फैल रहा है तो इससे जो है कि पूरा गांव, पूरा देश और पूरा विश्व और तबाही की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत कुछ स्थिति और परिस्थिति कुछ ठीक है।